गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निमोलांशु हियर। सो टुडे वी डिस्कस वन मोर मॉलिक्यूल रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन वी आर डिस्कसिंग नाउ डेज विद, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन रिगार्डिंग इन्वॉल्विंग ऑफ एस ऑर्बिटल्स एंड पी ऑर्बिटल्स, वन एस एंड थ्री पी ऑर्बिटल्स, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वन एस एंड टू पी ऑर्बिटल्स, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s and 1p orbital, that is sp hybridization, and then also we have discussed hybridization involving s orbital, p orbital and d orbital, that is 1s, 3p and 1d orbital, that is sp3d hybridization, then sp 1s, 3p and 2d orbitals, that is sp3d2 hybridization, and now today we will discuss that is sp3d3 hybridization, means there is involvement of 1s orbital, 3p orbital and 3d orbitals. Okay, so let's see how it happens. So 1s orbital, one, that is hybridization involving, that is sp3d3 hybridization. Okay, so 1s orbital. Okay, here we are undergoing hybridization of 1s orbital, then 3p orbitals, 3p orbitals, okay, and then also plus, that is 3d orbitals, okay. So 3d orbitals will give rise to sp3d3 hybrid orbitals, sp3d3 hybrid orbitals, okay. So now, so today what we are going to do is we are going to discuss regarding this hybridization concept, okay. So 1s, 3p and 3d orbitals are going to take part in the hybridization. 1s, I repeat, main phir se bol raha hu, 1s, 3p orbitals and 3d orbitals are going to take part in the hybridization, regarding resulting to the formation of sp3d3 hybrid orbitals, resulting the formation of sp3d3 hybrid orbitals. Okay, so where it will have sp3d3 hybrid orbitals. Now see what happens. So we have 1s orbital, 3p orbital and 3d orbital, that means we are going to get, कितना मिलेगा हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वी आर गोइंग टू गेट 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मींस दिस 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड, दिस 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 7 कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागोनल, 7 कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। आई रिपीट वंस अगेन, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, होने के बाद फॉर्म क्या होगा, sp3d3 हाइब्रिडेशन, क्या होगा, sp3d3 हाइब्रिडेशन, एंड दिस sp3d3 हाइब्रिडेशन विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो कितना होगा हमारा sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 7 होगा, क्योंकि एक s आ रहा है, 3p आ रहा है, 3 × 1 = 4 हो गया, और 7 × 3 आ रहा है, तो मतलब हमारा हो गया 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 7 कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। दिस sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 7 कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। सो कैसे होता है, देखो यहाँ पे सपोज मान लो सेंट्रल एटम है, तो इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरफ जाएगा, ओके, एक आएगा इस तरफ, ओके, एक आएगा इस तरफ, 3, एक आएगा इस तरफ, 4, एक आएगा इस तरफ, 5, एक ऊपर होगा 6 और एक नीचे होगा 7 हो गया, ओके। तो देखो ये है पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ओके, सो दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल
ज्योमेट्री। ओके सो ये ऐसा आएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका भी ऐसा होगा और इसका भी ऐसा होगा। सो दिस अमोंग दिस पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सेवन पेंटागोनल बाइपिरामिड 1, 2, 3, 4, 5, दिस फाइव हाइब्रिडोबाइटल्स आर एट एंगल ऑफ 72 डिग्री। दिस फाइव हाइब्रिडोबाइटल्स आर एट एंगल ऑफ 72 डिग्री एंड दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन एंड दिस वन व्हिच आर एट राइट एंगल्स टू दिस प्लेन। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल दिस इज दिस वन एंड दिस वन, दिस आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। दिस आर दिस फाइव ऑर्बिटल्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड दी फाइव कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागन। दिस फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड दी फाइव कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागन, making an angle of 72 degree with each other, making an angle of 72 degree with each other. But these two hybrid orbitals, this that's why I given it to look different, I have given it this sign. So these two hybrid orbitals, these are perpendicular to that plane, these are perpendicular to that, this five hybrid orbitals containing plane. Okay, so this make an angle of, this make an angle of 90 degree to this plane. This make an angle of 90 degree to this plane. Here bhi, aise bhi, yahan pe bhi likh sakte hum log. So 90 degree to this plane. But these are all at angle of 72 degree. These are all at angle of 72 degree. So ye hai pentagonal bipyramidal geometry. Isko hum aise bolte hai pentagonal bipyramidal geometry. Pentagonal bipyramidal geometry. Okay. So, इसको लेके हम लोग बनाएंगे IF7 मॉलिक्यूल। इसको लेके तो आई थिंक इट इज क्लियर, दिस वन एस ऑर्बिटल, थ्री पी ऑर्बिटल एंड थ्री डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टुगेदर टू गिव sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सेवन sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेवन कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। So, इसमें से पांच हाइब्रिडोबाइटल आ जाएगा पेंटागन का पांच कॉर्नर पे और दो ऑर्बिटल आ जाएगा एट राइट एंगल्स टू दैट प्लेन। सो दिस फाइव हाइब्रिडोबाइटल्स विल बी एट 72 डिग्री टू ईच विद ईच अदर, व्हेयर एज दिस वन विल बी एट 90 डिग्री टू दिस प्लेन, दिस वन एंड दिस वन विल बी एट 90 डिग्री टू दिस प्लेन। सो दिस इज ऑल अबाउट sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज ऑल अबाउट sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके अभी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन किस मॉलिक्यूल पे हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जो है तुम्हारे सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल है जहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन तुम्हारा सिलेबस में सिलेबस कंसर्न है IF7 मॉलिक्यूल, रिगार्डिंग IF7 मॉलिक्यूल। नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन? यस, एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज 53। Atomic number of iodine is 53. So let's see how the hybridization occurs. So here is IF, here I am writing IF7 molecule. Okay. So let's see. Now, जो IF7 molecule में central atom जो है वो है iodine. Central atom है iodine. Okay. Central atom जो है वो है iodine. आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है 53। जो भी हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 5p 5s2 5p 5 एंड 5d0। सो कैसा होगा, 5s2 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5p में पांच इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन, और 5d जो है वो है वैकेंट। ओके 5d जो है वो है वैकेंट, 1 2 3 4 5। ओके सो नाउ आयोडीन व्हेन इट बिकम्स एक्साइटेड विद हीट, सो आयोडीन व्हेन बिकम्स एक्साइटेड इट ट्रांसफर्स दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर आल्सो एंड आल्सो फ्रॉम हियर टू हियर। तो क्या होगा, जैसे ये हो गया
वन इलेक्ट्रॉन 5s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5p में आ जाएगा, 5p में आ जाएगा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। और बाकी एक जाएगा d पे, 1, 2, 3 जाएगा d पे, 5d पे जाएगा 3। सो ये मान लो ये है 5d, एक आएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, सो एक आएगा यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे, यहाँ एक आएगा यहाँ पे। नाउ दिस 1, 5s, 3, 5p and 3, 5d ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू गिव यू sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अभी देखो फ्लोरीन का एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, फ्लोरीन का कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। सो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz, इट इज 1। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विथ दिस इलेक्ट्रॉन, सो 7 फ्लोरीन एटम्स विल कम, 7 फ्लोरीन एटम आएगा आके यहाँ पे कंबाइन करेगा। सो मान लो ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयोडीन एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन, आई हैव गिवन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन इन क्रॉस साइन वर्सेस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयोडीन इन एरो साइन, ओके। सो ये यहाँ पे एक होगा फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन, ओके। सो लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा स्ट्रक्चर जैसे आयोडीन बीच में होगा और बाकी 7 फ्लोरीन एटम्स विच विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 7 कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये है आयोडीन, सो उसका एक फ्लोरीन यहाँ पे है, 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 ओके, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, ओके। सो दिस इज ए टाइप ऑफ पेंटागॉन वी हैव ड्रॉन, दिस इज ए टाइप ऑफ पेंटागॉन वी हैव ड्रॉन, ओके। सो यहाँ पे पेंटागॉन हो गया और बाकी दो जो फ्लोरीन है इट विल बी एट राइट एंगल्स टू दिस प्लेन, इट विल बी एट राइट एंगल्स टू दिस प्लेन। सो दिस इज हाउ ए पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री लुक्स लाइक, ओके। सो दिस एंगल विल बी 72 degrees, दिस एंगल विल बी 72 degrees, दिस एंगल विल बी 72 degrees। सो ये होगा 72 degrees, ये भी होगा 72 degrees और ये जो एंगल होगा ये होगा दिस आर राइट एंगल्स टू दिस प्लेन। सो ये एंगल होगा 90 degrees, ये एंगल क्या कितना होगा 90 degrees। सो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ओके, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ओके। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ IF7 मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, ओके। सो ये हो गया खत्म हमारा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट और कुछ मॉलिक्यूल्स हम लोग डिस्कस किए, लास्ट 3 दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया। जो मॉलिक्यूल मैंने डिस्कस किया मेरा क्लास में वही मॉलिक्यूल प्रैक्टिस करना, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज योर फाइनल एग्जाम पॉइंट इज कंसर्न एंड एज वेल एज योर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट इज ऑल्सो कंसर्न। सो वेरी मच केयरफुली यू हैव टू स्टडी दोज मॉलिक्यूल्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस क्लासेस एंड ऑल्सो इन टूडेज क्लास, ओके। सो ये हो गया हाइड्रेशन पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। नाउ ऐसा तुम लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि कोई एक टाइम एक एटम कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, उसी कार्बन का किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जैसे C2CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, C2H4 मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, व्हेयरएज C2H2 मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने बोला है मेरा हर एक क्लास में मैंने बोला, इफ आई रिमाइंड वेरी वेल आई हैव सेड दैट दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंशियल फैक्ट, सो नो वन कैन नॉट डिनाई इट। एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है कि
इस कार्बन का इस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडेशन है, इसी कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल में कितना क्या है हाइब्रिडेशन, सेम कार्बन का तीसरा मॉलिक्यूल में क्या है हाइब्रिडेशन। दिस इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंशियल फैक्ट, नो वन कैन नॉट डिनाई इट, बट देयर इज वन फॉर्मूला वेयर बाय द यूज ऑफ इट, बाय द यूज ऑफ व्हिच फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द हाइब्रिडेशन, बिकॉज एंट्रेंस में तुमको पूछा जाएगा दिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या है। सो यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन टेकिंग प्लेस इन दैट मॉलिक्यूल। ओके, सो फॉर्मूला है, तो देखो प्रेडिक्टिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रेडिक्टिंग हाइब्रिडेशन एंड शेप्स, प्रेडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स। ओके, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो प्रेडिक्टिंग हाइब्रिडेशन, तो फॉर्मूला क्या है, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल एटॉम, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल ऑफ एटॉम। ओके, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटॉम सराउंडिंग द एटॉम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटॉम ओके सराउंडिंग द सेंट्रल एटॉम ओके माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन ओके। सो ये है हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटॉम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटॉम सराउंडिंग द सेंट्रल एटॉम, माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर वी लिखेंगे, इसको अगर एस लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस एस प्लस माइनस ई, हाफ ऑफ हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस एस प्लस माइनस ई। सो देखो हम लोग एक एक करके मॉलिक्यूल निकालेंगे, जैसे CH4 मॉलिक्यूल हम लोग ने स्टडी किया है, उसको पता है स्थिति डिहाइब्रेशन हो रहा है। सो कैसे होता है, देखो हाइब्रिडेशन इक्वल टू हाफ बैलेंस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल एटॉम, बैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटॉम कितना है 4, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल ऑफ कार्बन, सो इट इज 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटॉम, माइंड इट माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटॉम, ओनली मोनोवेलेंट नॉट डाइवेलेंट, ऑक्सीजन यू कैन नॉट काउंट बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, यू हैव टू काउंट ओनली द एटॉम व्हिच इज हैविंग वैलेंसी 1, यू हैव टू काउंट ओनली दोज एटॉम व्हिच इज हैविंग वैलेंसी 1। सो द वैलेंसी 1 जो है वो है कि यहाँ पे चार मोनोवेल एटॉम कितना है, 4 हाइड्रोजन है, तो मोनोवेल एटॉम इज 4। ओके, माइनस चार्ज ऑन कैटायन कितना है, कैटायन कोई भी कैटायन नहीं है यहाँ पे, सो माइनस 0, प्लस चार्ज ऑन एनायन, कोई एनायन भी नहीं है यहाँ पे, सो 0, सो इज इक्वल टू हाफ, 4 + 4 = 8 इज इक्वल टू 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 मीन्स sp3 बिकॉज 1s एंड 3p विल गिव यू 4, द शेप इज टेट्राहेड्रल, ओके। नेक्स्ट आ गया मॉलिक्यूल हमारा SiF4, ओके, सो इसको हम रख कर रहे, सो ये फॉर्मूला हम लोग रखेंगे सामने, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन कंपेयर दिस फॉर्मूला विथ योर कंसर्न मॉलिक्यूल। सो SiF4 का कितना आएगा, SiF4, सो हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल सेंट्रल एटॉम, सेंट्रल एटॉम है सिलिकॉन का बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 4, 4 प्लस फ्लोरीन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटॉम, फ्लोरीन का बैलेंस कितना है 1 है, सो मोनोवेलेंट एटॉम कितना है 4, प्लस 4 माइनस चार्ज ऑन कैटायन 0, प्लस चार्ज ऑन एनायन इज आल्सो 0, सो व्हिच इज कमिंग एज हाफ इंटू 8 इज इक्वल टू 4, ओके इज इक्वल टू 4 means sp3 hybridization and the shape is tetrahedral, the shape is
टेट्राहेड्रल। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस NH3 मॉलिक्यूल। अभी देखो क्या क्या पड़ा है। NH3 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन जो है हाफ। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ वी आर हैविंग हाइड्रोजन वैलेंसी, हाइड्रोजन द वैलेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो वी आर हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। वी आर हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, सो 5 प्लस इक्वल टू 3। नाउ माइनस चार्ज ऑन कैटायन इज 0 बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल, सो माइनस चार्ज ऑफ कैटायन इज 0 प्लस चार्ज ऑफ एनायन इज ऑल्सो 0, सो इक्वल टू 1/2 × 8 इज इक्वल टू 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वी विल कंसीडर another molecule, that is SF6 molecule. Let's consider SF6 molecule. Okay, so these molecules you have these molecules questions in your NCERT book. You can practice it. The more you will practice in this concept, the more will be clear to you people. Okay, my dear student, please go through your NCERT book seriously and thoroughly, because this hydration concept you will get at least 3 questions in your final and at least more than 5 questions in your entrance exam. So that so far as entrance and final exam is concerned, this topic or this concept is very 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 useful. Okay, so let's have a look on SF6 molecule. Okay, so SF6 ka hydration hai half. Number of valence electrons in valence shell atom, yes, valence electron of central atom kya hai? Sulfur. तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 प्लस। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, सो कितना है मोनोवेलेंट एटम? फ्लोरीन है मोनोवेलेंट, सो फ्लोरीन का कितना है फ्लोरीन यहाँ पे? 6 मॉलिक्यूल, 6 एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर देयर, सो प्लस 6। माइनस चार्ज ऑन कैटायन, सो देयर इज नो चार्ज ऑन कैटायन, माइनस 0, सो देयर इज ऑल्सो नो चार्ज ऑन एनायन, सो प्लस 0, विच इज इक्वल टू 1/2 × 6 प्लस 6 12, ओके इक्वल टू 6, 6 मीन्स sp3 d2 hybridization, 6 मीन्स sp3 d2 hybridization। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ pcl5 मॉलिक्यूल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन pcl5 मॉलिक्यूल। So hybridization equal to 1/2 number of valence electrons in valence shell of central atom. So for central atom जो है वो है phosphorus. Phosphorus का valence electron है 5 plus number of monovalent atom in surrounding the central atom. So chlorine है monovalent. So 5 chlorine atom है. So 5 plus 5 minus charge on cation 0 plus charge on anion is also 0. So hybridization is 1/2 × 10, that is 5. So hybridization क्या आ जाएगा? sp3 dehydration. Let's consider one cation. So like cation is we are taking, that is NH4 plus molecular ion. Okay. So hybridization is equal to 1/2 number of valence electrons in the central atom. So kitna hai nitrogen ka valence electron? 5 plus number of monovalent atom, so 5 plus 4, okay, so 5 plus 4. So now number of minus charge on cation, so cation ka charge kitna hai? +1, so -1 plus charge on anion jo hai 0. So क्या आएगा हमारा? 1/2 4 - 1 3 5 + 3 = 8, so 8 = 4, that is hybridization जो है वो होगा sp3 hybridization. okay, sp3 hybridization. let us consider hybridization of CO3 2-. now we consider one cation, we will consider now one anion also, so CO3 2-, okay, so CO3 2-,
2 minus, okay? So hybridization is equal to half number of valence electrons in the central atom. So valence electron kitna hai? 4. Half of 4 plus monovalent atom kitna hai? Dekho oxygen jo hai yaha pe oxygen hai divalent. This part monovalent. So number of monovalent atoms surrounding the central atom, ye portion ho jayega hamara 0. ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जीरो माइनस चार्ज ऑन कैटायन इज आल्सो जीरो प्लस चार्ज ऑन एनायन जो है वो कितना आ रहा है प्लस टू सो इक्वल टू हाफ इंटू फोर प्लस टू सिक्स दैट इज हाइब्रिडेशन इज एस पी टू हाइब्रिडेशन And the shape will be planar. So this is how we will find the hybridization of various molecules or molecular ion using this formula. Now I want to give you some homework. So you practice. If you feel any problem regarding any molecule, you can contact me over my number. So the homework is. You practice it on your own, okay? OF2 molecule, BF3 molecule, comma, SF4 molecule, comma, then NO3 minus, SO4 2 minus, then PO4 3 minus, then XCF2, then XCF4, then XCFC. So this molecule you will practice on your own 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 molecules I have given. You can practice and you can also take the snap and send it to me. You can practice and you can take the snap and send it to me. I will verify and say you whether you are correct or not. Okay. So you practice on your own. You practice these molecules. How many molecules I have given homework? Kitna molecules diya maine homework? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 molecules maine diya hai homework. So you can practice these molecules on your own and send it. You can send the snap to me. I will check and verify it and send it back to you. Next, हम लोग almost in that the end of valence bond theory concept. We are going to start a new theory. In my next class, we are going to start a new theory. अभी एक portion थोड़ा बाकी रह गया है. That is called concept of back bonding. Okay. So now we will discuss this concept. That is concept of back bonding. Okay. So back bonding का concept जो है, देखो concept of back bonding. Okay. So this is back bonding. Back bonding. So back bonding concept समझने के लिए हमको molecules लेना होगा BF3 molecule. Okay. So BF3 में central atom क्या है boron. Boron का atomic number है 5. That is 1s2, 2s2, 2px1, 2py0, 2pz0. So ये हो जाएगा हमारा 1s2 में 2 में दो इलेक्ट्रॉन p में कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन px में py में py खाली है px में एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और pz पूरा खाली है नाउ बोरॉन व्हेन इट गेट्स एक्साइटेड इट विल ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर सो व्हाट हैपेंस 2s में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और 2p में आ जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और pz ऑर्बिटल खाली रह जाएगा So hybridization क्या होगा sp2 hybridization okay so sp2 hybridization होने से shape क्या होगा yes you are correct my dear students shape होगा trigonal planar geometry so देखो कैसा होगा shape so I am drawing it here over here so suppose this is boron and one pure metal is remaining unhybridized so this is boron and it is having trigonal planar geometry one boron here and one boron here okay
So with one electron each in the hybrid orbital, okay, and one p orbital is unhybridized. One p orbital is unhybridized. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्डिंग करेगा, ओके, और यहाँ पे भी एक फ्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्डिंग करेगा, ओके, सो दिस इज थ्री फ्लोरीन, 1, 2, 3। अभी देखो फ्लोरीन में तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि फ्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 and 2pz1. So this electron it is used in bonding. Now it has got extra so many electrons. Now what will happen? It will donate its electron to back to boron. Now what happened in the previous case? Boron has donated or combined, boron has involved its electron with the combination of fluorine atom. Now what happens? Fluorine will now back donate. Here fluorine also now can back donate. Here also it can back donate. So this is what is called back bonding or back donation concept. This is called back bonding. So क्या हो रहा है? Fluorine का p orbital boron का p orbital को bonding कर रहा है. Fluorine का p orbital is involved in back bonding with p orbitals of boron. So then that is why this bonding, back bonding is called p pi back bonding. Okay. So this is what is about back bonding concept. And that is the reason why BF3 can act as an acid. BF3 can act as a Lewis acid because it is an electron pair acceptor. Because it can accept a pair of electron. So that is why it can act as a Lewis acid. Okay. So this is what the concept of back bonding. So this back bonding is being taking place between p orbitals of fluorine and p orbitals of boron. Because p orbitals of fluorine, we are having extra electrons. So these extra electrons can donate to boron. It can back donate to boron. So p orbitals of fluorine is involved in back bonding with p orbitals of boron. So that is why this back bonding is called p pi back bonding. With this we have come to the end of valence bond theory concept. So in the next class we are going to start a new theory which is called molecular orbital theory and probably the last portion of this chapter. So tomorrow please join in my class. So tomorrow we are going to start as well as finish. I'll try my level best to finish that chapter tomorrow. So molecular orbital theory which is also a very important topic. So next class we are going to start with. So with this I want to end up my lecture here today. So thank you very much my dear students. Okay. Thank you.